अनूपपुर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम कोलमी में पशु तस्करों को ग्रामीणों की मदद से पुलिस व वन विभाग की टीम ने आखिर पकड़ ही लिया। पकड़ाए गए आरोपी का नाम अहमद है, जो कि गाड़ी का मालिक है। पकड़ाए युवक ने बताया कि पिकअप में भरकर 5 भैंसों को छत्तीसगढ़ के वरघाट से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। यहां 5 भैंसे घायल अवस्था में पाई गई। आरोपी ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ से पहले हम अनूपपुर के पसला से पशुओं को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर ले जाते हैं। आरोपी अहमद ने यह भी कबूल किया कि वन विभाग के कर्मचारियों ने छोड़ने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन ग्रामीणों ने गाड़ी पकड़कर अनूपपुर पुलिस के हवाले कर दी। अमलाई से पंकज राव की रिपोर्ट। संस्कार एकेडमी हाई स्कूल में वार्षिक गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। समारोह के पूर्व विधायक अनिल फिरोजिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण शर्मा के विशेष आतिथ्य में सरस्वती पूजन हुआ। उसके बाद कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। अतिथियों का स्वागत संचालक नंद किशोर शर्मा व प्राचार्य शाहिद खान ने किया। इस अवसर पर अनिल फिरोजिया ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि मनोहर लाल बोहरा, जनपद सदस्य बलराम शर्मा जी उपस्थित थे। इसके अलावा अभिभावक समिति के अध्यक्ष मांगीलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेमनाथ शर्मा ने विद्यालय परिसर को विद्यालय की गतिविधियों को लेकर बधाई दी। शिक्षक शिक्षिकाएं इत्यादि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रियांशी ने किया। माकड़ोन से विजय देवड़ा की रिपोर्ट। शाजापुर एबी रोड पर मक्सी के समीप कार व आयशर में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन SC सिसोदिया गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी अनुसार पूर्व सर्जन अपनी कार से मक्सी से शाजापुर की ओर जा रहे थे, तभी शाजापुर की ओर से मक्सी की तरफ जा रही आयशर से उनकी कार टकरा गई, जिसमें डॉक्टर सिसोदिया को गंभीर चोट आई है, जिन्हें 108 की मदद से शाजापुर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं आयशर के क्लीनर की भी मौत हो गई तथा आयशर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। शाजापुर से सोनू गवली की रिपोर्ट। सिवनी मालवा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध भीलट बाबा के मेले में जुआ के अड्डे सज गए हैं। यहाँ खुलेआम जुआ चल रहा है। मेले में एक और जाने पर 10 लगाओ 100 पाओ और 100 लगाओ 1,000 ले जाओ का ही शोर सुनाई दे रहा है। भीलट बाबा के मेले में इसी शोर में फंसकर कई युवा अपनी जेबें खाली कर देते हैं। अस्थायी पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस के जवान इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि बाबा के मेले में आने वालों की सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की होती है। यहां खुलेआम चल रहे जुआ के अड्डों पर अपने रुपए गंवाकर कई युवक मुंह लटकाकर वापस जाते देखे जा रहे हैं। आश्चर्य है कि मेले में इस धंधे पर ना तो प्रशासन की नजर पड़ रही है और ना ही पुलिस की। सूत्रों की माने तो ऐसा नहीं है कि बिना अनुमति के जुआ चलता है, बिना पुलिस की मर्जी के तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। वहीं खुलेआम जुआ चल रहा है, इससे साफ जाहिर है कि उनका हिसाब बंधा हुआ होता है। यानी जनपद सचिव, सह सचिव सहित पुलिस की भी मिलीभगत से ही ये संचालित किया जाता है। जसवीर करके हरिजन है, तजपुरा का, तुमन्नी का, उसको कुछ 3-4 लड़कों ने मारपीट करके उसको चाकू से मारा है, जिसके लिए अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये हर साल इतना बड़ा मेला होता है, लेकिन महिलाएं और पुरुष और बच्चे काफ़ी तादाद में आते हैं, लेकिन कल देखा कि महिला पुलिस कर्मी भी बहुत थी नहीं, ना के बराबर थी। हमारे पास एक पुलिस आरक्षक है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जयंती का जुलूस निकला था, उसमें भी महिलाएं थी, वहाँ लगा दिया गया था। उसके बाद उस महिला को हमने मेला भेजा था। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में धूमधाम के साथ मनाई गई हनुमान जयंती। सुबह से ही शहर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हो गया। हनुमान जयंती पर कई जगह भंडारे हुए, सुंदरकांड का पाठ भी हुआ। शाम को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलता रहा एवं शहर के कई मंदिरों में छोटे छोटे बजरंग बली का प्रतिरूप बनाकर आकर्षित करते रहे। कई जगह तो भंडारे हुए एवं रात में भजन संध्या के साथ हनुमान जन्मोत्सव पर्व पर कार्यक्रम संपन्न हुए। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। होशंगाबाद के बालागंज में स्थित सैकड़ों साल पुराने हनुमान जी के मंदिर में धूमधाम से हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई।
शहर के प्रमुख मार्गों से इस्तरस्ता, अमर चौक, जय स्तंभ चौक, हलवाई चौक, सराफा बाजार से होती हुई शोभा यात्रा मार्ग दर्शन के सेठानी घाट पर समापन हुई। रास्ते में श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा में शहर के गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में महिला एवं बच्चों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। हनुमान जी द्वारा लंका दहन झांकी बहुत सराही गई। होशंगाबाद से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।